सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड वेलकम आई यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख पा रहा हूँ आपके मेरे पास बैरो कंपनी कॉइल प्लेट असेंबली है और बैरो कंपनी एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अधिकतर ये जो बैरो कंपनी है यानी बैरो की जो जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ज्यादा बनाती है और क्वालिटी A1 बनाती है क्योंकि ओरिजिनल क्वालिटी है इसकी और कोई भी शिकायत नहीं है ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में, ठीक है। अब ये जो है कॉइल प्लेट असेंबली है और पल्सर 220 सीसी की, यानी पल्सर 220 सीसी जो ओल्ड मॉडल आई थी तो उसकी ये कॉइल प्लेट है। और आज की वीडियो में जो बताने वाला हूँ कि इसका प्राइस क्या है वो अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और कौन सी गाड़ियों में फिट हो सकती है मैं ये बताता हूँ और जितनी भी बाइकों में फिट होगी है मैं उसके नाम डिस्क्रिप्शन पे लिखूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉइल प्लेट मिली थी ये मुझको काफ़ी ढूंढने में, काफ़ी परेशान हुआ था मैं तब जाके ये कॉइल प्लेट मेरे हत्थे आई थी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड इसके प्राइस की, तो प्राइस है इसका 734 रुपये, ठीक है। 734 रुपये प्राइस है इसका और पल्सर 220 सीसी की है, 220 एसएस ओल्ड यानी ओल्ड मॉडल जो पल्सर 220 सीसी आई थी उसकी है ये। और उसका जो कॉट नंबर है वो DG यहाँ आप देख रहे हो MGCP PL पल्सर यानी पी तो पल्सर हो गया, ठीक है। ये भी जो यहाँ तक इसका जो कॉड है ये DG 59 कोड है इसका, ठीक है। प्रोडक्ट का पल्सर 220 सीसी एसएस ओल्ड में लगती है और भी एक बाइक में लगती है जिसका मैं नाम डिस्क्रिप्शन लूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। और ये कॉइल और वो कॉइल सेम है और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कभी बाई चांस आपका वास्ता पड़े, कभी आपको कॉइल प्लेट ढूंढने में परेशानी हो तो इस हिसाब से आप इस पल्सर के नाम से ढूंढ सकते हो। अगर आपकी पल्सर गाड़ी है तो और दूसरी गाड़ी जो जिसमें फिट होती है ये उसके नाम से ढूंढ सकते हो आप अपनी गाड़ी का पार्ट्स, ठीक है। 734 रुपये प्राइस है जिसका पैकिंग डेट है ये 10 महीने 2018 की और काफ़ी पुराने हैं, अब शायद रेट बढ़ गया हो मेरे हिसाब से, ठीक है। एक तो ये फ्रेंड ये पल्सर 220 सीसी में फिट होगी, ठीक है। और बाकी नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लूंगा, आप वहाँ से आकर चेक कर सकते हैं। चलो आप इसको अनबॉक्सिंग करते हैं फ्रेंड, कॉइल की कंडीशन देखते हैं कैसी है कैसी नहीं होती है ये पल्सर 220 सीसी ओल्ड की। तो फ्रेंड इसका हम यहाँ से टेप काटते हैं और ये यहाँ से खुल चुका है। ये रही फ्रेंड बैरो कंपनी की पैकिंग, जो हर कॉइल प्लेट असेंबली ऐसी ही पैकिंग में आती है और इसमें बॉक्स में कुछ नहीं है, सिर्फ ये ही है पन्नी जो दिखने की ऐसी है। पन्नी पे बैरो लिखा है और बैरो कंपनी की पन्नी है ये और इसको निकाला हमने तो फ्रेंड देखा कि कॉइल प्लेट की काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। और इसमें देखो ये पल्सर 220 सीसी एसएस ओल्ड में 1 2 3 4 5 6 7 तो ये लाइटिंग कॉइल है, लाइटिंग कॉइल, ठीक है। पल्सर 220 सीसी में ध्यान रखना इस बात का। और दूसरी गाड़ी में जो फिट होगी मैं उसका नाम डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, हम वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, ध्यान रहेगा आपको। एक स्टार्टिंग कॉइल होती है, ठीक है। स्टार्टिंग कॉइल ये होती है, इससे गाड़ी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग को करंट जो सी कॉइल पहुँचाती है वो यही पहुँचाती है, ठीक है। इसकी जो 7 कॉइल हो गई, एक स्टार्टिंग कॉइल हो गई, टोटल 8 कॉइल हैं इसमें पल्सर 220 सीसी में। और अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी पिकअप कॉइल हो गई जिसमें सिंगल वायर है और दिखने की इस हिसाब की है और एक अर्थिंग वायर है जो यहाँ पे पेच में टच होती है, जब हम मैग्नेटिक कॉइल लगाते हैं तो उसमें ही टाइट होता है ये वायर पेच में। एक ही वायर है ये न्यूट्रल बत्ती की वायर है जो दिखने में इस हिसाब से जो वहाँ पर न्यूट्रल स्विच में लगती है, ठीक है। और ये इसकी रबड़ है जो मैग्नेटिक कॉइल में फंसती है जहाँ से पैकिन वैकिन लगता है, पैकिन के नीचे लगती है ये। और सॉकेट की बात करते हैं फ्रेंड, ये 220 सीसी पल्सर इसमें सॉकेट में 6 वायर हैं, एक नूडल बत्ती की है, 7 वायर हैं इस सॉकेट में, 7 वायर हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो कुछ होता है फ्रेंड यही है इसमें 220 सीसी में। और एक जो और दूसरी गाड़ी है उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, वहां से आकर चेक कर सकते हैं, प्रॉपर सेम बिल्कुल सेम कॉइल है इसकी, ठीक है। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और कैसी लगी वीदियो कमेंट में जरूर बताना आप। अदरवाइज कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भेज सकते हो, यानी कोई भी दिक्कत वाली बात अगर समझ में आई वीडियो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना
और उसका रिप्लाई मैं आपको 100% बताऊंगा, ठीक है। वैसे इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से आके मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात हो तो आप वहां से पता कर सकते हो, क्योंकि SMS का रिप्लाई यूट्यूब पे ज्यादातर सही नहीं रहता है, क्योंकि खाली फाइल भर जाती है, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक मैसेंजर पे आप मैसेज कर सकते हो कोई भी अदरवाइज प्रॉब्लम है तो, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगी, और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, बाय।